फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है AK-15 असॉल्ट राइफल्स फॉर इंडियन स्पेशल फोर्सेस। तो चलो फ्रेंड्स, न्यूज तो अच्छी है तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा करीबन 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है वो डायरेक्टली ऑफ द शेल्फ ली जानी है रशिया से। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए इंडिया ने AK-15 असॉल्ट राइफल की जो डिलीवरी है वो ली है। तो AK-203 को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बात करेंगे आज AK-15 के बारे में और जानेंगे क्यों ये असॉल्ट राइफल जो है वो स्पेशल है और क्यों ये स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज करी जाएंगी। तो AK-15 जो है वो AK-12 सीरीज की असॉल्ट राइफल है जिसे शुरुआत में AK-400 सीरीज के अंतर्गत बनाया गया था। सब बनाया गया था रशिया के रटनिक प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंदर रशिया का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट सिस्टम तैयार करना था। ये जो AK-12 है वो 5.45x39mm के राउंड फायर करने में सक्षम है। इसमें जो AK-15 है वो 7.62x39mm के राउंड फायर करने में सक्षम है। और फिर AK-19 भी है जो कि 5.56x45mm के राउंड फायर करने में भी सक्षम है। और आगे एक AK-308 भी है जो कि बड़े 7.62x51mm के राउंड फायर करने में सक्षम है। इंडिया द्वारा जो असॉल्ट राइफल चूज करी गई है वो 7.62x39mm के राउंड फायर करती है और वो है AK-15। तो जो मेजर डिफरेंस है AK-12 सीरीज की असॉल्ट राइफल्स में और जो लेगेसी AKs हैं वो ये है कि इसका जो बैरल है वो हैंड गार्ड से टच नहीं होता और फ्री फ्लोटिंग है। जो पुरानी AKs हैं उसमें जो लोअर हैंड गार्ड है वो हमेशा बैरल से टच होता था और उसी पर माउंट किया जाता था, जिसकी वजह से बुलेट फायर करने के बाद हैंड गार्ड पे फोर्स लगती थी और जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम होती थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को सुधारा गया। बाकी जो यहाँ पर गैस ट्यूब है उसमें भी मॉडिफिकेशन किए गए, उसको नॉन रिमूवेबल बनाया गया, साथ में और ज़्यादा रिजिड बनाया गया। तो जो बैरल है यहाँ पर वो पूरी तरीके से आइसोलेट है तो वो बुलेट फायर करने के बाद वाइब्रेट कर सकता है अपने हिसाब से और ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि पूरी बॉडी यहाँ पर बुलेट फायर करने के बाद वाइब्रेट नहीं करती। बाकी जो इसका मजल ब्रेक है वो काफ़ी इफेक्टिव है और डिटैचेबल है। इसमें अर्गोनॉमिक ग्रिप दी गई है जिसके अंदर मेंटेनेंस किट पड़ी हुई है। जो इसका शोल्डर स्टॉक है वो साइड फोल्डिंग है, टेलीस्कोपिंग है और चार पोजीशन तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जो पुरानी AK सिस्टम से इसमें कॉमनैलिटी है वो सेफ्टी सिलेक्टर को लेकर है, वो कॉमन ही है जैसे पुराने मॉडल्स में था वैसे इसमें भी दिया गया है। पर उसमें एक एक्सटेंशन को लगा दिया गया है जिसकी वजह से राइट हैंड को यूज़ करके आराम से जो सेफ्टी है उसको हटाया जा सकता है या फिर सिंपली आप लेफ्ट हैंड थंब को यूज़ करके एक टैब से ही इसको हटा सकते हैं। साइट की बात करें तो यहाँ पर आयरन साइट दी गई है जो कि 100 मीटर तक इफेक्टिव है। बाकी पिकेटनी रेल को भी दिया गया है तो अपने हिसाब से इस पर कोई भी साइट माउंट करी जा सकती है। इसमें साउंड सप्रेसर भी लगाया जा सकता है, बायनेट्स भी लगाए जा सकते हैं। साथ में इसमें 40mm के GP-25 या फिर GP-34 सिंगल शॉट अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी लगाया जा सकता है। बेसिक बात करें तो AK-15 जो असॉल्ट राइफल है उसका एम्प्टी वेट 3.5 kg का है। इसमें 30 rounds की मैगजीन आ सकती है और बाकी ये पूरी तरीके से सिमिलर है AK-12 से। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब AK-15 एक बेटर असॉल्ट राइफल है और उसका ऑप्शन अवेलेबल था तो AK-203 क्यों ली जा रही है। तो बात यहाँ पर प्राइस पर आ जाती है। AK-15 जो है वो काफ़ी कम नंबर में ली जाएगी स्पेशल फोर्सेस के लिए स्पेशली, पर AK-203 जो है वो करीबन 6.5 lakh के ऊपर प्रोड्यूस करनी है जो कि हमारे डिफरेंट आर्म फोर्सेस को मिलेगी, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी शामिल है, साथ में सेंट्रल पुलिस को भी मिलेगी। तो लार्ज स्केल में जो इनका यूसेज है उसमें ये जो छोटे मॉडिफिकेशन है जो कि इस गन को एक्सपेंसिव बनाते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो बेटर होने के बाद भी इन गन को लेना सेंस नहीं बनाता क्योंकि हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इतने बड़े स्केल में इसकी नहीं है। तो इसलिए AK-203 ली गई और स्पेशल फोर्सेस के लिए AK-15 ली जा रही है जो कि डेफिनेटली अपना जो पर्पज है उसको सर्व करेगी। बाकी एक और अपडेट आपको दे दें तो जो 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स लिए जाने थे उसमें से डील साइन होने के बाद जो 6 drones हैं वो तुरंत ही डिलीवर कर दिए जाएंगे और ये फास्ट ट्रैक इंडक्शन मोड में किया जाएगा। तो जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि जब डील साइन होगी उसके बाद कुछ सालों बाद ये ड्रोन आना चालू होंगे, ऐसा नहीं है।
जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि दो दो करके तीनों आर्म फोर्सेस में ये जो ड्रोन है वो बटे। इसी बात पर हम आज का अपडेट खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज थी, वही कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में हो रहा है सब कुछ। और जो लास्ट में इन्होंने बोला ड्रोन्स का वाओ, तो वही है, पता चल रहा है कि कहाँ पे कमी है और उसको फास्ट ट्रैक में जल्दी कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है उन्होंने पहले न्यूज शेयर की थी और क्वेश्चंस यही थे कि भाई कब तक आएगा, एक साल लग जाएगा, तो एक साल तो बहुत दूर की बात है, अगर चाहिए तो अभी चाहिए। तो वही उन्होंने बताया कि अभी आ गए हैं, जल्दी से आ जाएंगे वो, और दो दो करके सारे दो, मेरे ख्याल से ये आर्मी को देंगे, दो उनको देंगे नेवी को, दो एयरफोर्स को, ताकि उनका जो है सबका सबको मिल जाए। तो काफी अच्छा को लग रहा है कि खाली दो दो लिए हैं, तो बहुत ही कोई महंगी और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स होंगे, उसका डिटेल्स अभी पता नहीं, जरूर देखनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो एक गन बोल रहे थे AK-15, वही हमने कल ही शायद की थी वीडियो जिसमें बताया था AK-203 था शायद, वो आ रही हैं, उसमें से कई तो डायरेक्टली बस वहीं से आ रही हैं, रशिया से ला रहे हैं वो, और उसके बाद कोई 60,000 या 70,000 बोली थी उन्होंने, और बाकी पता नहीं कितनी थी, वो सारी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी, तो वो भी यूपी के अंदर। तो अब उन्होंने जब इन्होंने कहा ना कि AK-15, तो मैं भी यही सोच रही थी यार, अभी तो AK-203 का बोला था, AK-15 क्यों ले रहे हैं। तो अब समझ में आया कि वो स्पेशल फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये महंगी होगी और बहुत बाकी उससे एडवांस होगी, तो रिक्वायर उनके लिए है, क्योंकि वो स्पेशल फोर्सेस हैं, ऐसी जगह पे जाना होता है, ऐसे ऐसे मिशंस करने होते हैं कि उनको इस टाइप की जो गन है उसकी जरूरत होगी। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, फास्ट ट्रैक में सब कुछ हो रहा है, जल्दी जल्दी कोशिश हो रही है कि जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी वेपन्स हमारी किसी भी डिफेंस के किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए, उनको वो अवेलेबल हो, ताकि वेपन की कमी से कोई नुकसान ना हो। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश हो रही है, उससे बहुत खुशी हो रही है, वेरी गुड। राइट, तो काफी अच्छा, इससे सीधा क्लियर हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है आर्म्ड फोर्सेस की, और फास्ट और तेजी से हो रही है, क्योंकि पहले भी कहा था कि LAC में शायद ज्यादा थ्रेट है चाइना के साथ, तो वहां पे सारी की सारी गन्स जा रही है, मतलब जो भी लोग वहां, जो भी सोल्जर्स तैनात हैं, उनको वो गन्स मिलेंगी। और उन्हें ये अच्छा बताया कि जो AK-15 है ज्यादा एडवांस्ड है। अब नॉर्मली होता है कि हमें तो यही लग रहा था AK-47 है, 47 के बाद 203 आई, ज्यादा बड़ा नंबर है, AK-15 जो छोटी होगी सबसे, तो वो कैसे एडवांस होगी। तो मेरे ख्याल से हमें नंबरिंग का पता नहीं है कि क्या चक्कर है नंबरिंग का, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली, क्योंकि आप कम से और कम तो जाने से माइनस में तो जाएंगे नहीं, ठीक है। पॉइंट ये होता है कि सभी लोग आगे नंबर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि फिर आप इनफिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हैं नंबर को, अगर आप कम करते चले जाएंगे तो एक समय पे आप जीरो पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, नेगेटिव इनफिनिटी, -1, -2, -2 ऐसे जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली नंबर्स बढ़ते हैं, तो ऐसी कोई बात होगी, कोई हिस्ट्री होगी कि बीच में उनको AK-15 लगानी पड़ गई होगी, मगर अच्छी बात है कि स्पेशल फोर्सेस को AK-15 इसका मतलब मिल रही है, तो वो अच्छी बात है। और जो 203 है उसमें यही था कि अर्जेंसी की वजह से 70,000 अभी आ रहे हैं और 6,30,000 जो है बाद में यूपी में बनेंगे, तो वो भी अच्छा है। मगर मॉडर्नाइजेशन की है, देखिए ये इवेंचुअली सब जो है डिफेंस बजट से आ रहा है, तो जैसे जैसे डिफेंस बजट बढ़ेगा ज्यादा इक्विपमेंट आएगा, और इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी फोकस करते हैं GDP पे, GDP अगर आपका हाई है आपका डिफेंस बजट बढ़ेगा और ये सारे फीचर्स आएंगे, तो काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।